नमस्कार जी, मेरा नाम है मीनू, बताने जा रही हूँ। होलिका दहन के समय हवा पूर्व दिशा में चले तो इसे अच्छा शगुन माना जाता है। कई जगह होलिका दहन के लिए लकड़ियों, गोबर के कंडों व माला से चिता सजाई जा रही है। सूर्यास्त के पूर्व विधि विधान से होलिका की पूजा अर्चना करके सूर्यास्त के बाद दहन किया जाएगा। होलिका दहन पर किस दिशा में हवा का चलना फलदायी एवं पूर्व दिशा? ज्योतिषियों के अनुसार यदि होलिका दहन के समय हवा पूर्व दिशा में चले तो इसे अच्छा शगुन माना जाता है। पूर्व दिशा को देवताओं की दिशा कहा गया है और मानता है कि इससे देश प्रदेश में साल भर खुशहाली छाई रहेगी। दक्षिण दिशा, हवा दक्षिण दिशा की ओर बहे तो इसे अपशगुन माना गया है। इससे फसलों को नुकसान होगा, महंगाई बढ़ेगी और राज्य की सत्ता भंग होगी तथा विद्रोह भी हो सकता है। उत्तर दिशा को कुबेर की दिशा कहा गया है। हवा यदि उत्तर दिशा की ओर चले तो इसे अति शुभ माना जाता है। ऐसी स्थिति में आर्थिक क्षेत्र में उन्नति होती है और धन व सुख बढ़ता है। पश्चिम दिशा में हवा चले तो कृषि क्षेत्र में नुकसान होता है। होलिका दहन का धुआं यदि आसमान में सीधा जाए तो इसे राजनीति में बदलाव का सूचक माना जाता है। धन्यवाद, मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें।